Hello friend, so today in this video we are going to discuss the recent judgment of Delhi High Court in the case of Juhi Chawla and others versus Science and Engineering Research Board and others. So friends, ये केस हम आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दी और इसके साथ साथ सीपीसी के ऑर्डर्स और जो प्रोसीडियर हमारे सीपीसी में रखा गया उसकी क्या रेलेवेंस है वो बताया गया। So, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस केस का बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। इस केस में जो प्लेंटिफ्स हैं, जूही चावला द फेमस एक्ट्रेस एंड कुछ एक और जो लोग थे, उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन को रोकने के लिए पिटीशन जो था ये फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। और उनका ये कहना था कि 5G टेक्नोलॉजी को जब इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे जो रेडिएशंस निकलेंगी, रेडिएशंस can create an alarming situation and such radiations can create a danger to the human body. और इसी को लेके चलते हुए एक प्लेंट जो था वो फाइल किया गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस प्लेंट को फाइनली डिसमिस करते हुए एक ऑब्जर्वेशन मेड आउट किया दैट दिस केस इज अ क्लासिक टेक्स्ट बुक दैट हाउ नॉट टू ड्राफ्ट अ प्लेंट एंड विच शुड बी टॉट इन द लॉ कॉलेजेस एंड टू यंग लॉयर्स सो दैट सच ब्लूपर्स इन द ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स डैमेजिंग टू वन्स ओन क्लाइंट्स आर अवॉइडेड। सो फ्रेंड, हर लॉयर, जुडिशियल एस्पिरेंट और हर वो व्यक्ति जो लॉ कॉलेज में पढ़ रहा है उसको ये चीज समझनी है कि हम जब कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर पढ़ते हैं तो सिविल प्रोसीड्योर में देर आर सर्टेन रूल्स, देर आर सर्टेन ऑर्डर्स, देर आर सर्टेन सेक्शन विच आर बींग मेंशन और उन सेक्शन ऑर्डर्स रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, वो इस जजमेंट में समझाया गया है। और कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप प्लेंट को कैसे ड्राफ्ट करते हैं ये ठीक से नहीं जानते तो ऐसा करने से आप अपने ही क्लाइंट का नुकसान भी कर सकते हैं। सो ये जो चीज है, प्लीडिंग्स को कैसे ड्राफ्ट किया जाए, ये हर लॉ कॉलेज में सिखाना चाहिए और हर यंग लॉयर को ये चीज पता होनी चाहिए दैट हाउ द प्लीडिंग्स आर टू बी ड्राफ्टेड। सबसे पहली चीज जो इस केस में इंपॉर्टेंट थी वो ये कि कोर्ट फीस को लेके एक इश्यू यहाँ पे रखा गया, वो इश्यू क्या था पहले हम उसको डिस्कस करते। सो फ्रेंड्स, इस केस में प्लेंटिफ्स ने अपने सूट के लिए जो कोर्ट फीस जमा करवाई वो थी सिर्फ 1950 रुपए, 1950 रुपीज जो थे वो एज अ कोर्ट फीस जमा करवाए गए। लेकिन जैसे कि किसी भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देखने के लिए हम सूट की वैल्यूएशन करते हैं और सूट की वैल्यूएशन जो थी इस पर्टिकुलर केस में 2 करोड़ रुपया जो थी वो रखी गई। और क्योंकि इस सूट की वैल्यूएशन 2 करोड़ रुपए तक थी तो ये दिल्ली हाईकोर्ट के पास लिस्ट किया गया, लेकिन जो कोर्ट फीस जमा करवाई गई वो सिर्फ 1950 रुपए। और एक लॉ जो है वो ऑलरेडी सेटल्ड है कि जो सूट का वैल्यूएशन होगा वो फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एज वेल एज फॉर द डिपॉजिटिंग ऑफ द कोर्ट फीस सेम रहेगा। और अगर हम 2 करोड़ रुपए के हिसाब से सूट की वैल्यूएशन रखते हैं तो कोर्ट फीस जो है वो 1,97,544 रुपए जमा होनी चाहिए थी। 1,97,544 रुपीज आर टू बी डिपॉजिटेड एज अ कोर्ट फीस बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट, लेकिन जमा करवाए गए सिर्फ 1,950 रुपए। तो हाई कोर्ट का ये कहना था कि इस केस में कोर्ट फीस में डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन मूव किया गया प्लेंटिफ्स की तरफ से कि हमें जो कोर्ट फीस में डेफिशिएंसी है उसको ठीक करवाने के लिए कुछ टाइम दिया जाए। हमारे सीपीसी का सेक्शन 149 इस चीज को अलाउ करता है कि अगर कभी भी कोर्ट फीस में डेफिशिएंसी रह जाए तो कोर्ट जो है वो टाइम एक्सटेंड करने की पावर रखता है। और अगर टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए और उस टाइम में कोर्ट फीस जमा करवा दी जाए तो आप जो हो अपने सूट को कोर्ट में चलवा सकते हैं, उसकी जो सुनवाई है वो चल सकती है। और इसी के साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर डेफिशिएंसी कोर्ट फीस में रह जाए तो इट इज अ ग्राउंड फॉर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आल्सो। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करता है और उसी में नॉन डिपॉजिटिंग ऑफ द कोर्ट फीस इन द टाइम गिवन बाय द कोर्ट इज अ ग्राउंड फॉर द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। इसके साथ साथ एक जो दूसरी चीज हमें समझनी है कि सेक्शन 80 ऑफ द सीपीसी वो भी इस पर्टिकुलर केस में के इन्वॉल्व रहा। सेक्शन 80 सीपीसी हमारा बात करता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट अगर केस करना हो तो व्हाट इज द प्रोसीड्योर फॉर दैट। और सेक्शन 80 में सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 दोनों इंपॉर्टेंट सबसेक्शन जो है वो ये बताते हैं कि जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट होगा
तो आप डायरेक्टली सूट फाइल नहीं कर सकते, रेदर आपको गवर्नमेंट को या जो भी कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है उसको 2 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। जो एडवांस नोटिस देने की जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी रखी गई है वो इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी क्लेम कोई व्यक्ति गवर्नमेंट की या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट एस्टेब्लिश कर रहा है तो गवर्नमेंट को आप एक मौका आपको देना चाहिए ताकि जो आपका क्लेम है उसको गवर्नमेंट आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटल कर सकती है तो हमें उस प्रोसीड्योर को फॉलो करना है, हमें कोर्ट्स में लिटिगेशन को नहीं बढ़ाना। और इसीलिए सेक्शन 80 की यहाँ पे रेलिवेंसी ये है कि सेक्शन 80 में सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर जॉइंटली जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये मिलता है कि अगर कभी अर्जेंट नेसेसिटी हो या इमीडिएट रिलीफ चाहिए और आप इतना वेट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट को 2 महीने का नोटिस दिया जाए तो आप नोटिस पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए कोर्ट से परमिशन ले सकते। उसी को लेके चलते हुए इस केस में सेक्शन 80 की इम्पोर्टेंस जो थी वो देखने को मिली। प्लेंटिफ्स का ये कहना था कि सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 जो है उसके अंदर जो नोटिस पीरियड 2 महीने का रखा गया है उसको वेव ऑफ कर देना चाहिए बिकॉज वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। और क्या प्लेंटिफ्स ने कहा वो मैं बताता हूं, दैट द प्लेंटिफ्स सीकिंग डिस्पेंशन फ्रॉम द इशूइंग ऑफ नोटिस टू द स्टेट एंटिटीज अंडर 80 सबसेक्शन 1 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी। तो जब ये प्लीडिंग्स प्लेंटिफ्स की तरफ से रेज की गई तो नोटिस पीरियड को वेव ऑफ करने की बात कही और उसी दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने इस इशू को रिजॉल्व करते हुए ये कहा दैट द नोटिस अंडर सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीपीसी टू द गवर्नमेंट इज मैंडेटरी बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। और इस नोटिस का ऑब्जेक्ट क्या है वो साथ में बताया गया, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 इज टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट टू रिकंसीडर द मैटर एंड टू मेक अमेंड्स एंड सेटल द क्लेम आउट ऑफ कोर्ट। Section 80 was enacted for the advancement of justice and securing public good by avoidance of unnecessary litigation. Section 80 जो है हमारा CPC का वो ultimately drafty इस चीज के किया गया, उसका purpose ये है कि आप unnecessarily litigation में ना जाएं, आप unnecessarily courts में ना जाएं, और अगर कोई चीज out of court government या public servants खुद settle कर सकते हैं तो that is the best mechanism which should be adopted. लेकिन क्योंकि ये जब प्ली रेज की गई इस केस में कि हमें गवर्नमेंट नोटिस पीरियड है 2 महीने का उसको वेव ऑफ करने दिया जाए, ये कहा गया कि इट इज एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी, सो कोर्ट ने कहा कि व्हेन इट इज मैंडेटरी सो सेक्शन 80 इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट मींस अ कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड टू प्रोसीड फॉर द फर्दर टास्क एंड दैट इज वाई अपने पुराने एक जजमेंट का स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेज पायनियर बिल्डर्स 2006 का हवाला देते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है दैट द सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 80 इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 80 इज द एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस एंड फॉर सिक्योरिंग पब्लिक गुड बाय अवॉइडिंग ऑफ अननेसेसरी लिटिगेशन। और इसी के साथ सेक्शन 80 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की को जॉइंट रीडिंग करते हुए कोर्ट ने क्या कहा उसको पढ़ते हैं। That for the co-joint reading of subsections 1 and 2 of section 80, the legislative intent is clear. Namely, the service of notice under subsection 1 is imperative except where urgent and immediate relief is to be granted by the court, in which case a suit against government or a public officer may be instituted, but with the leave of the court. And the leave of the court is a condition precedent. Kabhi bhi agar aap is नोटिस पीरियड को वेव ऑफ करना चाहें तो वो सिर्फ अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ के केसेस में होगा और उन केसेस में भी कोर्ट की परमिशन के साथ ही ये पीरियड वेव ऑफ किया जाएगा। साथ में कोर्ट का ये कहना है दैट सच लीव मस्ट प्रीसीड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट विदाउट सर्विंग नोटिस इवन दो सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 डज नॉट स्पेसिफाई हाउ द लीव इज टू बी सॉट फॉर और गिवन येट The order granting leave must indicate the grounds pleaded and the application of mind thereon. The restriction on the exercise of the power by the court has been imposed, namely
The court cannot grant relief, whether interim or otherwise, except after giving the government or the public officer a reasonable opportunity of showing cause in respect of the relief prayed for in the suit. So, friends, इस पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 80 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का हवाला देते हुए कहा कि आप जो सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 के अंदर 2 महीने की नोटिस की जब हम बात करते हैं वो तो नोटिस पीरियड मैंडेटरी है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि प्लेंटिफ को अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ देना पड़े, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर को बिना सुने अगर कोर्ट रिलीफ देना चाहती है प्लेंटिफ को, तो प्लेंटिफ को कोर्ट का परमिशन लेना मैंडेटरी है, और परमिशन अगर मिलेगा तभी कोर्ट प्रोसीड करेगा, लेकिन कोर्ट कोई भी रिलीफ नहीं देगा प्लेंटिफ को, ना वो इंटेरियम रिलीफ दे सकता है और ना वो फाइनल रिलीफ देगा, और गवर्नमेंट को हर वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कोर्ट को देनी पड़ेगी जो प्लेंटिफ के कॉज ऑफ एक्शन को डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ सेक्शन 80 के हवाले से बात करते हुए कोर्ट ने ये कहा दैट द सर्विस ऑफ नोटिस इन सेक्शन 80 डज द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ द सेक्शन इज टू गिव द गवर्नमेंट सफिशिएंट नोटिस ऑफ द सूट which is proposed to be filed against it so that it may reconsider the decision and decide for itself whether the claim made could be accepted or not. So friends, as far as section 80 is concerned, इसका basic purpose ये है कि देखो government ने अगर कोई भी policy ऐसी draft करी है जिस policy से किसी individual को problem है, किसी का कोई cause of action आता है, तो आप सबसे पहले उस चीज को गवर्नमेंट के नोटिस में लाएं ताकि गवर्नमेंट के पास अगर पॉसिबिलिटीज हो तो अपने पुराने किसी पॉलिसी को, अपने डिसीजन को वो चेंज कर ले या उसको अमेंड कर ले या उसको वापस ले, और अगर वो 2 महीने के दौरान नहीं होता है जो नोटिस पीरियड रखा गया है तो आप कोर्ट में जाएं। एंड इसी को लेके चलते हुए कोर्ट का ये कहना था कि इस केस में सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 का जो नोटिस पीरियड था वो मैंडेटरी था, इस केस में कोई भी इमीडिएट और अर्जेंट रिलीफ वाला इशू कोर्ट को नहीं लगा, और कोर्ट ने सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 के अंदर जो नोटिस पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए जो एप्लीकेशन मूव की जा रही थी उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया। इसके साथ साथ ऑर्डर नंबर 6 ऑफ द सीपीसी को भी यहाँ पे जो है देखना जरूरी है। देखो हमारा ऑर्डर 6 सीपीसी का प्लेंट की ड्राफ्टिंग को लेके बनाया गया है जिसमें रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स जो है वो रखे गए, और उसी में ऑर्डर नंबर 6 में रूल नंबर 2 में सब रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब भी कोई प्लेंटिफ किसी प्लेंट को ड्राफ्ट करे तो वो प्लेंट में सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स को रखेगा, एविडेंसेस को ना रखे। एविडेंसेस को ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने लाया जाता है और एविडेंसेस को वहां पे प्रूव किया जाता है। एविडेंसेस कभी भी आपकी प्लीडिंग्स के अंदर नहीं होने चाहिए, लेकिन इस केस में प्लेंटिफ्स ने अपनी प्लीडिंग्स के अंदर ही कुछ एक एविडेंसेस को एलिज किया, उनको लिखा विच इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ ऑर्डर 6 रूल 2 सब रूल 1। सो वी आर रीडिंग ओवर हियर दैट व्हाट द कोर्ट हैज हेल्ड एज फार एज ऑर्डर 6 इज कंसर्न्ड, द प्लेंटिफ सूट इज डिफेक्टिव एंड नॉट मेंटेनेबल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, ऑर्डर 6 रूल 2 सब रूल 1 ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स दैट द प्लेंट शैल कंटेन स्टेटमेंट्स ऑफ मटेरियल फैक्ट्स इन द कंसाइज फॉर्म but no evidence by which they are to be proved. However, the plaintiffs may comply with order 6 rule 2 of the CPC. The statement of the plaintiffs are not in concise form and the plaintiffs have incorporated the evidences in the plea. It is ultimately the clear violation of order 6 rule 2. So, the next issue is order 6 rule 9 ka yahan pe aaya, jisme court ka ye kehna tha ki jab bhi koi bhi vyakti प्लीडिंग्स को लिखे तो प्लीडिंग्स के साथ अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स को अनेक्स किया जा रहा है तो सिर्फ उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट निकाला जाए, और अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो सिर्फ मटेरियल डॉक्यूमेंट्स को आप वहां पे रखें। लेकिन प्लेंटिफ्स ने इस केस में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो कोर्ट के सामने रख दिए विच इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ ऑर्डर 6 रूल 9 जो ये कहता है दैट द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी सेट आउट इन अ प्लेंट अनलेस द प्रिसाइज words of the document or any part thereof are material. However, the plaintiffs have not complied with order 9 rule 6 of the CPC and have reproduced the documents in the plaint. Iske saath sir, ek bahut important order
सिक्स रूल नंबर 16 के अंदर है, जो ये कहता है कि कभी भी जब प्लेंट बनाई जाए तो उसमें फ्रिवोलियस, स्कैंडेलियस या वेक्सेशियस एवर्मेंट्स ना मेड आउट की जाएं। वेक्सेशियस या फ्रिवोलियस एवर्मेंट्स का मतलब क्या होता है कि आप कभी जब झूठे आप आरोप लगा दें, आप जो एलिगेशंस किसी के ऊपर लगा रहे हैं उन एलिगेशंस का कुछ ग्राउंड ना हो, तो दैट इज समथिंग विच इज अ क्लियर वायोलेशन ऑफ ऑर्डर 6 रूल 16। एंड ऐसे केसेस में कोर्ट को कभी कभी मैंडेटरी प्लीडिंग्स को स्ट्रक आउट करने के ऑर्डर्स पास करने पड़ते हैं। और उसी को लेके चलते हुए कोर्ट ने केस में ये देखा कि बहुत सारी जो प्लेंट में जो प्लीडिंग्स लिखी गई थी वो वेक्सेशियस और फ्रिवोलियस ग्राउंड्स पे थी, विच आर नॉट नेसेसरी इन अ पर्टिकुलर प्लेंट एंड विच शुड बी स्ट्रक डाउन एज पर ऑर्डर 6 रूल नंबर 60। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे सीपीसी का ऑर्डर 1 रूल 3 बात करता है जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स के बारे में। जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर केस में प्लेंटिफ का कॉज ऑफ एक्शन बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट हो, चाहे कॉमनली हो, चाहे अल्टरनेटिवली हो, चाहे जॉइंटली हो, तो आप उन सारे लोगों को एक साथ उस केस में डिफेंडेंट बना सकते हैं। लेकिन इस केस में ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 3 की क्लियर वायोलेशन देखी गई, क्योंकि प्लेंटिफ्स ने 33 डिफेंडेंट्स को ज्वाइन किया और उन डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट ना तो प्लेंटिफ्स का कोई जॉइंट कॉज ऑफ एक्शन बन रहा था, ना अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन जो था वो बन रहा था। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 1 रूल 3 के अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ है, और 33 डिफेंडेंट्स को एक ही सूट में अगर इन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो कोर्ट ने कहा कि दिस प्लेन डज नॉट रिफ्लेक्ट द कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर 1 रूल 3 ऑफ द सीपीसी इन ज्वाइनिंग 33 डिफेंडेंट्स इन वन सूट। इसी के साथ साथ हमारे सीपीसी में ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 3 जो जॉइंडर ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शंस की बात करता है कि अगर एक प्लेंटिफ का कुछ डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट या एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट बहुत सारे कॉजेस ऑफ एक्शन हैं, तो हम सारे कॉजेस ऑफ एक्शन को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन कॉजेस ऑफ एक्शन को ज्वाइन करने से पहले हमें कोर्ट का परमिशन जो है वो लेना होता है। और इस पर्टिकुलर केस में बहुत सारे कॉजेस ऑफ एक्शन को एक साथ ज्वाइन किया गया, लेकिन ना तो कोर्ट की परमिशन ली गई उन सबको ज्वाइन करने के लिए, और जो ज्वाइंडर था वो भी ठीक नहीं था, ठीक है। और इसी को लेके चलते हुए कोर्ट ने ये कहा दैट द प्लेंटिफ मे यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉजेस ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली, एंड एनी प्लेंटिफ हैविंग कॉजेस ऑफ एक्शन इन विच दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली मे यूनाइट सच कॉजेस ऑफ एक्शन इन द सेम सूट, बट the plaintiff has joined various causes of actions without complying with order 2 rule 3 of the cpc and the next point of consideration is ke hamare cpc mein order 6 rule 15 baat karta hai verification of pleadings kya hota hai ki jab aap koi bhi plaint banate hain aap plaintiff hai jo cause of action jis vyakti ka hai that person is the aggrieved aur uski personal knowledge mein cheeze honi chahiye aur jo legal issues hain वो अपने लीगल एडवाइजर या एडवोकेट की एडवाइस पे वो उनको एक्नॉलेज करता है, उनको वेरीफाई करता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो प्लेंटिफ्स थे उन्होंने जो प्लेंट में उन्होंने लिखा था उसको वेरीफाई नहीं किया, विच इज अ मैंडेटरी पार्ट गिवन अंडर ऑर्डर 6 रूल 15 ऑफ द सीपीसी। द प्लेंटिफ्स हैव नॉट वेरीफाइड द प्लेंट विच इज मैंडेटरी अंडर ऑर्डर 6 रूल 15 and the court has also held that since the plaintiffs have no personal knowledge of any averment made in the plaint, the whole plaint is based on the information and legal advice received, and it appears that the plaintiffs want an inquiry to be conducted by this court into the averments made in the plaint, which is not permissible in law in these proceedings. So court ne observation made out kiya ki kyunki jo facts plaint mein likhe gaye wo plaintiff ki personal knowledge mein nahi the aur सारी की सारी प्लेंट जो है वो लीगल एडवाइस और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाई गई है, तो कोर्ट ने ये कहा कि हमें ये लगता है कि प्लेंटिफ ये चाहते हैं कि कोर्ट इन एवर्मेंट्स को लेके एक इंक्वायरी कंडक्ट करे जो लॉ के अकॉर्डिंगली परमिसिबल नहीं है। जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इस केस में दैट इज इन रिलेशन टू सेक्शन नंबर 34 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देखो सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का डिक्लेरेटरी सूट्स की बात करता है, या कोई भी जब आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट डिक्लेरेशन लेना हो तो हम सेक्शन 34 के अंदर सिविल रिलीफ एक्ट के अंदर केस फाइल करते हैं।
और सेक्शन 34 के अंदर केस फाइल करने के लिए ये जरूरी है कि किसी व्यक्ति का कोई लीगल कैरेक्टर हो और उस लीगल कैरेक्टर को डिफेंडेंट ने डिनाई किया हो या डिफेंडेंट उसको डिनाई करने में इंटरेस्टेड हो। तो उसी को लेके इस केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा दैट द सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील्स विद डिक्लेरेटरी सूट्स। The person entitled to any legal character can institute a suit against another person who denies it or is interested to deny his right. In the present case, the plaintiff never approached the defendant claiming any right, and therefore there is no occasion for the defendants to respond or deny to the plaintiff's alleged rights. In that view of the matter, the maintainability of the declaratory relief sought by the plaintiff is doubtful. So friends, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि जब भी आप डिक्लेरेटरी रिलीफ कोई चाहें तो ये जरूरी है कि आप ऑपोजिट पार्टी के पास आपने अप्रोच किया हो, अपने राइट को क्लेम किया हो और उसने आपके राइट को डिनाई किया हो। लेकिन इस पूरे केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला जिसके बेसिस पे कोर्ट ने डिक्लेरेटरी रिलीफ को डिसमिस किया। इसी के साथ साथ मैंडेटरी इंजंक्शंस को लेकर भी एक प्लीडिंग यहाँ पे रेज की गई थी अंडर सेक्शन नंबर 39 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मैंडेटरी इंजंक्शंस की बात करता है, लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि जब भी मैंडेटरी इंजंक्शन देना हो तो वहां पे एक व्यक्ति की कुछ ऑब्लिगेशन बनती हो और वो अपनी ऑब्लिगेशन को तोड़ रहा हो। लेकिन इस पूरे केस में कोर्ट को कहीं पे भी किसी ऑब्लिगेशन और ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन की बात नहीं दिखी और इसीलिए कोर्ट ने कहा दैट सेक्शन 39 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील्स विद द मैंडेटरी इंजंक्शन। The twin requirement of section 39 are the existence of an obligation of the defendant towards the plaintiff and the breach thereof by the defendant. Both these requirements are not fulfilled, the maintainability of mandatory injunctions sought by the plaintiffs are therefore doubtful. इसी के साथ साथ जो final conclusion तो था इस केस का वो ये निकला कि एक तो जो court fees जमा करवाने के लिए Delhi High Court ने parties को कहा वो करवानी पड़ी और इसके साथ साथ इस केस में कोर्ट का ये कहना है कि ऐसी प्लीडिंग्स ड्राफ्ट करने से आपने कोर्ट का प्रीशियस टाइम जो है उसको वेस्ट किया और इसी को लेके चलते हुए 20 लाख रुपए का जो कॉस्ट था वो प्लेंटिफ्स के ऊपर इंपोज किया गया और ये कहा गया कि जो ये 20 लाख रुपए का अमाउंट है ये दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को एक हफ्ते के अंदर जमा करवाना पड़ेगा और अगर ये एक हफ्ते के अंदर जमा नहीं होता है तो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो उसको प्लेंटिफ से अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंगली रिकवर कर सकती है और ये जो पैसा लिया जाएगा इट विल बी यूज्ड फॉर द विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो थैंक यू सो मच एंड इसी तरह के और वीडियोज को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।